नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, किस तरीके से स्ट्रेस हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा हमारे को प्रॉब्लम करता है बॉडी में। जैसे स्ट्रेस के मेनली तीन टाइप्स होते हैं, यू स्ट्रेस, स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। इसका मतलब, यू स्ट्रेस का मतलब है जैसे आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कोई काम करना है, आपने एक प्लानिंग की कि भाई इस टाइम पे ये जाना है, इस टाइम तक पहले तैयार हो जाना है, इस टाइम तक ब्रेकफास्ट कर लेंगे और ये हम आराम से चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। कि किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे पॉजिटिव स्ट्रेस के रूप में लिया जाता है। कि जैसे आपको कहीं जाना है, आप उसकी प्रॉपरली प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन कर लिए हैं, सभी चीज़ों का प्रॉपर आप एग्जीक्यूशन कर पाएँ और इफेक्टिवली उसको सक्सेस कर पाएँ, तो इसीलिए हम उसे प्लानिंग करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड यू स्ट्रेस, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और आइडली हम सभी को इसे करना चाहिए ताकि हम जो भी काम करें वो और अच्छे से इफेक्टिवली उसके रिजल्ट आ पाए। अब जो सेकेंड वन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस का हम लें कि जैसे आपको कहीं जाना है तो आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जब जाने के थोड़ी देर बाद में आप एकदम से बड़े परेशान हो गए कि मेरे को जाना है तो आई हैव टू बी हरी। तो ठीक है, नॉर्मल सा आपने हरी किया, आप नॉर्मल एक हिसाब से गए और आपने अपना थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का जो हरी का कुछ काम था वो जल्दी से किया और आप बैठकर आराम से अपने चले गए। उस टाइम थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रेस हुआ, फिर आपने वापस, जैसे आप अपने टाइम पर थे तो इसलिए वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ गए, तो ये भी ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि इमरजेंसी के टाइम का कुछ स्टिमुलेशन होता है, तो वैसे ही बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए ठीक है एक लिमिट तक। कि जैसे आपको मान लीजिए 9 बजे कहीं जाना है तो आप 8:30 बजे से थोड़ा सा अपना इन्हें हरी आ गई कि थोड़ा सा जल्दी करते हैं, थोड़ा सा और फुर्ती करते हैं, बट विथ नॉट टू मच प्रेशर। कि थोड़ा सा आपने जल्दी की, अपनी चीज़ों को स्पीड अप किया, लेकिन विदाउट एनी जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन या उस तरीके से। अब ये दिस इज़ ए पॉजिटिव स्ट्रेस, ये हमारे पॉजिटिव है। जैसे ही हम नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे हमारी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम, नर्वस सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सारा इंटरनल सिस्टम। अब जो थर्ड तरीके का है वो कहते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब ये है कि आपने पहले कोई प्लानिंग नहीं की थी, आप बस केवल उसको सोचते जा रहे थे कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, अब मेरे को इस तरीके से, केवल वो क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव बनाना, उसको ख्याली पुलाव बनाए आपने। अब आपको 9 बजे जाना था, आप उठे हैं 8:30 बजे और अब आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से फटाक फटाक से जाकर अपने ही सारे काम करके 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँ। तो ये जो आधा घंटे की जो स्थिति है, जनरली जब आपको जाना होता है उस तरीके की स्थिति है जो केवल आदमी केवल टेंशन लेता है, केवल उसके विचारों का एनालिसिस करता है, उसमें कोई भी काम नहीं करता है, उसको केवल हमारी चिंतन ही करता रहता है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इधर उधर की बातें सोचता रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसको 8:30 बजे जाना है, वो 8:30 बजे उठा है तो उसको अपने सारे काम भी करने हैं, ब्रेकफास्ट भी करना है, अपनी फाइलिंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो फिर उसको एकदम से वो बॉडी कोलैप्स कर जाती है, उसको लगता है मैं इतनी सारी चीज़ें इतने टाइम में नहीं कर पाऊंगा, तो उसको बार बार यूरिनेशन होता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे, नहीं अब तो मैं कर ही नहीं सकता, अब तो मैं जा ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस, कि हमारी बॉडी में इमरजेंसी एकदम से आ गई और वो मेंटेन रही कि आप जैसे 8:30 बजे तक लेके 9:30 बजे तक, क्योंकि आप वहाँ लेट भी पहुँचेंगे तो फिर वो आपकी जो डिस्ट्रेस वाली जो सिचुएशन है वो काफ़ी लंबी चली, तो बॉडी को क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लंबे समय तक रेगुलर स्ट्रेस में रहा। प्लस वहाँ जब आप जब भी कोई चीज़ जिस जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपने प्रिपरेशन नहीं की तो वहाँ भी स्ट्रेस होगा, तो वो भी आपको बॉडी में नेगेटिव स्ट्रेस एक्यूमुलेट करेगा। कि मींस आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, आप रेगुलरली उसी को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो डिस्ट्रेस है उससे पहले ये तीन तरीके के स्ट्रेस हैं। तो फर्स्ट आपको हार्मफुल नहीं है, दैट इज सो गुड। सेकेंड वन है जो स्ट्रेस है वो ठीक है थोड़ी बहुत प्लानिंग के थ्रू, लेकिन जो डिस्ट्रेस है वही हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करता है। कि बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या इमरजेंसी जो वर्क फोर्स है उसको हम हमेशा 24 घंटे आप एक्टिव रखेंगे। अब आप देखिए, अगर आपका इमरजेंसी फोर्स हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हर ऑर्गन कोलैप्स करने लग जाएगा, ब्रेन, हार्ट, किडनीज, लंग्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी मसल्स,
आपके नर्व्स, आपका यूरिनरी ब्लैडर, इस तरीके से, तो फिर धीरे धीरे उसमें हमको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और जितने भी साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम सारे आने लगते हैं। अब इसमें योगा किस तरीके से इफेक्टिव है, तो योग क्या करता है कि आपकी बॉडी में, एक तो जब आप जैसे योग में बैठते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योग में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ उसे रिलैक्स कर पाते हैं। अब ऑलरेडी जो डैमेज हो गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, जब हम शवासन की टेक्निक्स करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। यू फील सो काम, रिलैक्स, तो ऑटोमेटिकली अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी तो आप उसमें जैसे डिस्ट्रेस से स्ट्रेस में आएंगे और फिर वापस यू स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे। तो योग इसी तरीके से, या फिर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट जैसे हम आपको बता सकते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन है, अब वॉशिंग मशीन में आपने देखा कि आजकल तो वॉशिंग मशीन में होगा कि आप कितनी ड्रम को जितना घुमाएंगे उतने आपके कपड़े ज़्यादा अच्छे से सूखेंगे, लेकिन उसमें सलवटें ज़्यादा हो जाएंगी। अब सलवटों को हटाने का काम क्या करेगी, हमारी आयरन, जो धीरे धीरे आयरन एक एक सलवट को मिटाएगी और आपके कपड़े वैसे बिल्कुल नए जैसे बिल्कुल स्लीक एंड क्लीन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो इसी तरीके से योग एक आयरन के तौर पे काम करता है कि तो हमारे जैसे कपड़ों की सलवटें हटाता है, वैसे ही हमारी जीवन की सलवटें या जीवन का जो स्ट्रेस है, जो डिस्ट्रेस है, उसे हम योग के माध्यम से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। थैंक यू।